हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के द्वारा एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी राहत की बात है कि सीबीएसई ने अब उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिन्होंने बेसिक मैथ से एग्ज़ाम पास किया था क्लास टेंथ का, और क्लास इलेवेंथ में मैथमेटिक्स को मेन सब्जेक्ट के रूप में लेना चाह रहे थे और परेशान थे स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट देने के लिए। कंपार्टमेंट की कोई न्यूज़ नहीं आने की वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। अब उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें उनको छूट दी गई है कि वो अब एलिजिबल हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास इलेवेंथ में सेशन 2020-21 में लेने के लिए। तो बच्चों, क्या है ये नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन के आधार पर आपको किस तरीके से क्लास इलेवेंथ में एडमिशन मिलेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में पहले दो नंबर पे सीबीएसई ने कहा है कि क्लास इलेवेंथ में अभी तक जो रूल था मैथमेटिक्स लेने के लिए, वो बच्चे ले सकते थे जो स्टैंडर्ड मैथ से क्लास टेंथ पास हों, या अगर वो बेसिक मैथ से पास हों तो स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उनको देना होगा और उसको पास करना होगा। अभी तक का रूल यही था और उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया था 10 जनवरी 2019 को। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अब सीबीएसई ने ऐसे बच्चों को जो कि बेसिक मैथ से क्लास टेंथ पास थे, स्टैंडर्ड मैथ का कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके क्लास इलेवेंथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के इच्छुक थे और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, वो परेशान थे, तो सीबीएसई ने उनको छूट दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करने में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 को डिले हो रहा है, इसलिए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ऐसे स्टूडेंट जो बेसिक मैथ से पास थे क्लास टेंथ में और वो इच्छा रखते हैं मैथमेटिक्स जिसका कि कोड नंबर 041 है क्लास इलेवेंथ में पढ़ने के लिए 2020-21 यानी इस सेशन के लिए, उनको अब ये छूट दी जा रही है कि वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास इलेवेंथ में ले सकते हैं सिर्फ एक सेशन के लिए। इसका मतलब समझिएगा, जो बच्चे इस साल बेसिक से पास हैं क्लास इलेवेंथ में अब वो मैथ्स ले पाएंगे, लेकिन ये छूट सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है। अगले साल जो बच्चे बेसिक से पास करेंगे वो क्लास इलेवेंथ में मैथ्स तभी ले पाएंगे जब वो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने शर्त रख दी है कि ऐसे बच्चों को मैथमेटिक्स में एडमिशन का परमिशन देने से पहले वहाँ के जो हेड हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे कि जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहा है उसके अंदर उसकी एबिलिटी है, उसका एप्टीट्यूड है और वो डिज़ायरस है, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिक्स लेकर के क्लास इलेवेंथ में आगे जा सकता है, क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकता है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को मैथमेटिक्स में परमिशन मिलेगा एडमिशन का, यानी अब पूरा दारोमदार आपके स्कूल के हेड पे है। अगर आप उनकी निगाह में मैथ में अच्छे बच्चे हैं तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, भले ही आपने बेसिक मैथ से अपना एग्ज़ाम पास किया रहा हो, अब आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी राहत की खबर है ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जो ये छूट है ये वन टाइम है, मतलब सिर्फ इस बार दी जा रही है और ये प्रेजेंट बैच के बच्चों के लिए है। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक हैं, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी हुआ है लेकिन आज आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, ऐसी ही अपडेट्स लेकर के हम आते रहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा पर। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। आपके उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ। Thank you for watching this video. May God bless you.